चलिए वेकअप जिंदगी में अब रुख करते हैं उन खबरों का जो आज तमाम अखबारों की हेडलाइंस बनी है। और जाहिर तौर पर जय जयललिता का निधन के बाद कल उनका पार्थिव शरीर जो है वो लीन हो गया पंचतत्व में, और कई नेता, कई नाम, बड़े नाम वहां पर मौजूद रहे। तो दैनिक भास्कर में जो पहली खबर छपी है वो है, जिन शशिकला पर जय को जहर देने का आरोप लगे उन्हीं का अंतिम संस्कार उन्होंने किया। हम आपको बता दें कि 1988 से शशिकला और जया साथ में रहती आई हैं, और 2012 में शशिकला पर जया को जहर देने का आरोप लगा था। जया का पार्थिव शरीर कल राजाजी हॉल में रखा गया था और यहां लाखों समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। 1 किलोमीटर तक उन्हें देखने के लिए भीड़ मौजूद थी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत देश भर के राजनेता पहुंचे वहां पर राजाजी हॉल में। और राजाजी हॉल से शाम करीब 4 बजे मरीना बीच के लिए शव यात्रा शुरू हुई और शव वाहन को करीब 2 टन फूलों से सजाया गया था। दैनिक जागरण की एक बार का बात करें तो दैनिक जागरण में भी वही खबर छपी है, जाहिर तौर पर अलविदा अम्मा। सभी जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छी राजनेता खोई है कल भारत ने, और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और देश की सबसे ताकतवर महिला राजनेताओं में शुमार जय जय ललिता की पार्थिव देह को उनके राजनीतिक गुरु एमजी रामचंद्र की समाधि के पास ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया, क्योंकि ये माना जाता है कि एमजी रामचंद्रन और जया एक दूसरे के काफी करीब थे, और एमजी रामचंद्रन ही वो शख्स थे जिन्होंने जया को राजनीति में आने का परामर्श दिया था, और उन्हीं के कहने पर जया फिल्मों को छोड़ राजनीति में आ गई थी। इससे पहले जयललिता की अंतिम यात्रा राजाजी हॉल से शुरू होकर मरीना बीच तक पहुंची। जयललिता की पार्थिव देह को फूलों से सजाया गया और उनके लाखों समर्थक अपनी नेता के अंतिम दर्शनों के लिए वहां पहुंचे थे। तो तमाम अखबारों में वही खबर छपी है, अलविदा अम्मा, जयललिता को लेकर यादों में बसी जया, जनसत्ता में ये हेडलाइंस दी गई है। तमिलनाडु की हरदिल अजीज नेता दिवंगत जयललिता के नम आंखों के बीच उनके समर्थकों ने उनको अंतिम विदाई दी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई। गम में हजारों लोग डूब गए थे, क्योंकि जयललिता के लिए माना जाता है कि वो गरीबों के लिए बहुत कुछ करती थी, और गरीबों के लिए उनका मानना था कि कोई भी गरीब जो है वो चेन्नई में भूखा नहीं सोना चाहिए। ऐसे में कई ऐसी योजनाएं थी जो उन्होंने गरीबों के लिए चलाई थी, जैसे अम्मा कैंटीन, अम्मा नमक, और बहुत ही सस्ते दामों में ये सब चीज़ें वहां पर उपलब्ध हो जाती थी। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज तमाम अखबारों की हेडलाइंस बनी हैं, और जाहिर तौर पर बहुत ही अच्छी राजनीतिज्ञ रही हैं जयललिता। काफ़ी संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा है, लेकिन हाँ, दिलचस्प रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि गरीबों के साथ उनका एक कनेक्शन था, एक इमोशनल कनेक्शन था। राजनीति को अगर हम छोड़ दें, राजनीति से ऊपर उठकर जब हम आम आदमी की बात करते हैं, खासतौर पर उस तबके की बात करते हैं जिसके पास खाने के पैसे नहीं होते, जिसके पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसे खर्च करने के लिए कुछ नहीं होता, तो ऐसे में जयललिता ने उनके लिए बहुत कुछ किया था। महज 5 रुपए में अम्मा कैंटीन से खाना मिल जाता था, महज 2 रुपए में वहाँ पर इडलियाँ उपलब्ध हो जाती थी। तो ये तमाम जो चीज़ें थी वो गरीबों के लिए की, और यही यही वजह है कि जब खबर मिली कि जयललिता को हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत सीरियस है, तो अपोलो हॉस्पिटल के लिए के बाहर तमाम लोग वहाँ पर जमा हो गए, उनके समर्थक जमा हो गए, और रोते बिलखते वहाँ पर लोग देखे गए। और किसी राजनेता के लिए इतना प्यार वाकई एक बहुत बड़ी बात है, और तमाम जो पूरे भारत देश से बड़े बड़े नाम राजनेता वहाँ पर उनकी अंतिम दर्शनों के लिए आए, और कल करीब 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के पटना से असम में गुवाहाटी जा रही कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बे और इंजन पटरी से उतरने के कारण मंगलवार को 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के राजेंद्र नगर टर्मिनल से गुवाहाटी जा रही थी। ट्रेन दुर्घटना उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार रेलवे डिवीजन मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर शामुकतला रोड स्टेशन पर रात करीब 9 बजे हुई है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अधिकारी ने कहा है कि दुर्घटना राहत ट्रेन वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गई है। अलीपुरद्वार DRM संजीव किशोर ने कहा है कि घायलों को अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेजा गया है और राहत कार्य चल रहा है।
और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज कोहरे की सफेद चादर बिछी हुई है। कोहरे और सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। कोहरे के चलते सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी समेत तमाम शहरों में कई ट्रेन घंटों देरी से चल रही हैं। सड़क पर भी गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। दिल्ली से उड़ने वाली फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक कोहरा इसी तरह से रहेगा और सर्दी भी अपना असर अब धीरे धीरे दिखाना शुरू कर देगी। 7 से 10 दिसंबर के बीच यूपी में कहीं घना तो कहीं मध्यम कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान दृश्यता 50 मीटर से नीचे तक गिरेगी। यूपी के अलावा दिल्ली और हरियाणा में भी घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में कोहरा 11 दिसंबर तक परेशान कर सकता है। दिखाई नहीं दे रहा, मौसम ज्यादा खराब है, धुंधलापन हो रहा है, गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है। मौसम तो खराब है, चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर अंबुज पांडे जुड़ चुके हैं। अंबुज, कोहरे को देखते हुए जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 2-3 दिन ये कोहरा तंग करेगा, तो लोगों ने तो खैर सर्दी के कपड़े पहले ही निकाल लिए थे, अब थोड़ा सा और गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। मौसम जो है उसमें ठंडक पड़ी है। जी अंबुज, आपसे ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह से कोहरा छा रहा है और मौसम विभाग ने कहा है कि अभी कुछ और दिन ये सर्दी बढ़ सकती है, तो गर्म कपड़ों की और ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, गर्म कपड़ों की और ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। नमी बढ़ रही है, हवाओं की गति में कमी आई है राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में, तो 4-5 दिनों तक और ये कोहरा बढ़ने और ठंड बढ़ने की उम्मीद पूरी तरीके से कायम है। जिस तरीके से लगातार राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान रोज बढ़ रहा है, जबकि जो अधिकतम तापमान है उसमें कमी आ रही है, तो निश्चित तौर पर इससे पता चलता है कि ठंड बढ़ रही है। और बंगाल की खाड़ी में तरीके से चक्रवात की आशंका को देखते हुए जो हवा की गति में कमी आई है, उसकी वजह से कोहरा लगातार राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रहा है। तो अंबुज, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से नीचे तक गिरेगी जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है। और जाहिर तौर पर दिसंबर का महीना है, आज 7 दिसंबर है, तो दिसंबर का महीना सर्दियों का मौसम होता है। ऐसे में दिल्ली वासियों ने तो काफी पहले से गर्म कपड़े निकाल लिए थे, लेकिन अब लग रहा है कि अब ठंड आने वाली है, तो अब और भी ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, दिल्ली से चलने वाली फ्लाइट्स काफी डिले हुई है, रफ्तार धीमी हो गई है, गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही हैं। अगर आपको ऑफिस पहुंचना है टाइम पे या फिर आपको किसी भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो थोड़ा सा टाइम लेकर चलिए, और क्योंकि गाड़ी को धीरे चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉग के दौरान ऐसा होता है कि विजिबिलिटी कम होती है, तो ऐसे एक्सीडेंट्स के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता अंबुज का। अंबुज, किन किन फ्लाइट पर असर पड़ा है और कौन कौन सी ट्रेन जो है वो देरी से चल रही है फिलहाल? देखिए, अभी तक इनकी आंकड़े सामने नहीं आए हैं, क्योंकि कोहरा लगातार कहा जा रहा है 11-12 बजे तक इसका प्रभाव रहेगा, तो और ज्यादा इनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। और जिस तरीके से पिछले दिनों में लगभग दिन भर के एवरेज में 50 से 60 ट्रेनें रद्द हो रही थी और लेट हो रही थी, और फ्लाइट की जो संख्या है, विमानों की जो संख्या है, उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जो कारण प्रभावित हो रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्लाइट्स में डिले हो रहा है, ट्रेन्स जो हैं वो काफी दिनों से रद्द हो रही थी क्योंकि फॉग के कारण, और हमारी भी अपने दर्शकों से यही गुजारिश है कि जब आप कोहरे के दौरान किसी स्थान पर जाते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर जाने लगते हैं, तो गाड़ी धीरे चलाइए और लाइट्स जो हैं वो हेडलाइट्स जो हैं वो ऑन रखिए, और किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए अपनी जो स्पीड है वो कम कीजिए। बेशक आप घर से टाइम का मार्जिन लेके चलिए, ठंड भले ही लोगों की परेशानी ना बढ़ाई हो, लेकिन ठंड के उभरे कोहरे ने जरूर लोगों को त्रस्त किया है। ट्रेनें लगातार देरी से आ रही हैं और यात्रियों को खासी परेशानी इससे हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोहरे ने ट्रेन के चक्के जाम कर दिए, ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं। रेलवे की वेबसाइट पर सही समय की जानकारी नहीं मिल पा रही, वेटिंग रूम में बैठने की जगह नहीं है, ट्रेन रद्द होने के कारण अग्रिम बुकिंग करने वाले परेशान हैं, ऐसे में यात्री त्रस्त हैं।
वजह से ट्रेनें निरस्त भी हो रही हैं। हाँ, निरस्त भी हो रही हैं। ऐसे में यात्री कितने परेशान हो रहे हैं? बहुत परेशान हो रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो बीच रास्ते में आके अपना, जैसे कोई लोग ऐसे हैं, अभी हमको ट्रेन में मिले थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से आ रहे थे और रास्ते में लखनऊ में फिर चेंज कर लिए, वो वहाँ फिर स्टे किए, फिर आगे आ रहे हैं। ट्रेनें कोई 10 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 5 घंटा, कोई 12 घंटा, सब ट्रेनें ही लेट चल रही हैं। ट्रेनों के विलंब ने रेलवे प्रशासन को भी बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। विभाग के लोगों का कहना है कि परेशानी अभी और बढ़ेगी, कोहरा बढ़ा तो कुछ गाड़ियों को निरस्त भी किया जा सकता है। फिलहाल रेलवे ने सभी अपने यात्रियों से अनुरोध किया है कि सभी यात्री अपने घरों से निकलने से पहले ट्रेनों के बारे में जानकारी ले लें। चिंता ज़्यादा है कि गाड़ियाँ सुरक्षित और संरक्षित तरीके से चलें, इसी कारण ड्राइवरों को निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी कोहरा या वैसी स्थितियाँ हैं तो उसमें गाड़ियों को कंट्रोल करके चलाएं, इसी कारण काफ़ी गाड़ियाँ लूज हो रही हैं। ये हाल किसी एक स्टेशन या एक ट्रेन का नहीं है, बल्कि सभी जगहों का कुछ यही हाल है। शायद यही वजह है कि दिल्ली लोगों के लिए दूर हो गया है और मुंबई की राह बेहद कठिन। जगदम्बा त्रिपाठी, APN, गोरखपुर। तो एक तरफ जहां पर धुंध ने लोगों को परेशान कर दिया है, तो एक खबर ऐसी भी है जो काफी दिनों से विपक्ष, सरकार और आम आदमी से जुड़ी हुई है और थोड़ी सी परेशानी करने वाली। हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की। नोटबंदी पर संसद में आज भी हंगामे के आसार है। शीतकालीन सत्र के दौरान नोटबंदी के विरोध में विपक्ष लगातार हमलावर है और संसद के दोनों सदनों में सरकार को घेरने में लगा है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में बयान देने की मांग पर अड़ा है, लेकिन सत्ता पक्ष इस मांग को मना कर रहा है। दोनों सदनों में नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो पा रही है और रोज संसद की कार्यवाही हंगामे के चलते स्थगित हो जाती है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक है जिसमें नोटबंदी पर विपक्ष के हमले का जवाब देने की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं विपक्ष ने भी एक बैठक बुलाई है जिसमें सभी दल सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। तो नोटबंदी का आज 29वां दिन है, लेकिन कैश की किल्लत से लोग आज भी परेशान हैं। नोटबंदी का एक महीना हो गया है, लेकिन देश भर में ATM और बैंकों के बाहर लगी कतारें कम नहीं हो पा रही हैं। लोग बैंक में जमा अपने ही पैसे को निकालने की जद्दोजहद में लगे हैं। लोग नकदी के संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत में हालात अभी भी खराब है। ग्रामीण भारत के अधिकतर इलाकों में ATM पैसे कम मुसीबत ज्यादा उगल रहे हैं। अधिकतर ATM तक सरकार कैश नहीं पहुंचा सकी है, लिहाजा वहां दूर दूर से पैसे के लिए आने वाले लोगों के हिस्से निराशा लग रही है। तो नोटबंदी का फैसला भले ही सही हो, लेकिन करेंसी की कमी के चलते लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इंद्रजीत भदवार ने यूपी के रुहेलखंड के दिल माने जाने वाले बदायूं जिले में करीब 650 किलोमीटर की यात्रा कर कई गांव का दौरा किया और नोटबंदी को लेकर लोगों की राय जानी। आज हम आपको दिखाते हैं बदायूं की उज्जैनी में नोटबंदी को लेकर क्या है व्यापारियों की राय। नोटबंदी का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। नोट बैन के सरकार के फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व्यापारियों, उद्योगों और काम धंधे करने वालों को उठाना पड़ रहा है। 500 और 1000 के नोट बंद होने के कारण जहां व्यापार प्रभावित हुआ है, वहीं लेन देन को लेकर भी तमाम दिक्कतें पेश आ रही है। बदायूं के उज्जैनी में APN से बात करते हुए व्यापारियों ने अपनी परेशानियां बयां की। उज्जैनी के जो मुख्य होलसेल मार्केट है, जहाँ पर कपड़ों का होलसेल होता है, वहाँ खड़ा हूँ। ये बहुत पुराना मार्केट है। जब उज्जैनी जब बसी थी, कि वो जो हम यहाँ पर रौनक देखते थे, तो वो रौनक आज कम क्यों है? हेलो, ये नोटबंदी की वजह से कुछ मार्केट में रौनक कम है। मंदी बहुत है, यहाँ ग्राहक आ नहीं रहा है बिल्कुल भी, और अगर कोई आता भी है तो पुराने नोट लेके आता है, जिससे हम माल देने में असमर्थ हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नोटबंदी के फैसले से सिर्फ नाराजगी ही है, लोग सरकार के इस कदम का समर्थन करते भी नजर आ रहे हैं। व्यापार में होने वाली तमाम दिक्कतों के बावजूद लोगों को उम्मीद है कि नोटबंदी के फैसले से उनका भविष्य बेहतर होगा। नियत सही हो, मगर नतीजा उसका नकारात्मक निकले, तो उसका आपका क्या कहना है? नकारात्मक नतीजा कोई नहीं निकलेगा। जो चोर है उनके लिए बहुत खराब है, ब्लैक मनी वालों के लिए खराब है, ईमानदार आदमी की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आपका क्या ख्याल है कि व्यापार यहाँ पर पिकअप हो जाएगा? फिर व्यापार को भी इसको काफी समय लगेगा, व्यापार समय सारा फेल हो चुका, इसको हम इस समय काफी परेशानी गुजर रहे हैं, क्योंकि बैंक वाला पैसा हमको नहीं देता, हम सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते।
नोटबंदी का फैसला लोगों के लिए कड़ा है, लेकिन लोगों की उम्मीद अब भी कायम है। लोगों का मानना है कि ये फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन क्रियान्वयन में दिक्कतें जरूर है। इंद्रजीत बधवार, APN, बदायूं। और नोटबंदी का असर लखनऊ महोत्सव पर भी दिखा। महोत्सव के समापन पर दुकानदार नोटबंदी से परेशान दिखे। दुकानदारों का कहना है कि इस साल हुई सबसे कम आमदनी पिछले सालों से हुई है। खुशी के माहौल के बावजूद लोग दुखी दिखे। लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता आरुषि गुप्ता ने। क्या अच्छा गया इस बार लखनऊ महोत्सव में उनके लिए? इस बार की सेल आपकी कैसी गई और कैसा गया इस साल महोत्सव? देखिए सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें 500 और 1000 के नोट की हो रही है। जब से हमारी सरकार ने 500 और 1000 का नोट बंद किया है, तब से बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि होटल वाला हमें खाना नहीं खिला रहा है। वो कह देता है हम नहीं ले रहे 500-1000 का नोट। अब कस्टमर क्या कहता है, जी 500-1000 का नोट है, बताइए सौदा कैसे दें? अगर देते हैं तो हमारे कानून का उल्लंघन है। अब 2000 का नोट है, 2000 के नोट पर ये अगर कस्टमर 100 का नोट देता है तो 100 का सौदा लेता तो 1900 कहाँ से दें? ये भी प्रॉब्लम आ रही है हमें। नोटबंदी का कुछ असर आया इस बार महोत्सव की सेल पर? बहुत बुरा असर आया नोटबंदी का। बहुत सारे स्टॉल, कस्टमर वगैरह सारे परेशान हैं, स्टॉल वाले भी परेशान हैं। नोटबंदी से कुछ असर हुआ इस साल महोत्सव में? जी मैडम, नोटबंदी से बहुत ज़्यादा असर हुआ। दुकानदारी जो हमारे पहले होते थे 70%, अब हमारे 30-35% पर रह गई। नोटबंदी का कुछ असर दिख रहा है इस साल महोत्सव में? जी मैम, करीब 30-35% तो सेल पर फ़र्क पड़ा है। बाकी तो कैश है, पेटीएम है, लेकिन 30-35% सेल डाउन हुआ है इस समय। बहुत असर आया है हमें। यहाँ पे 10-12 दिन हो गए हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और ऊपर से जो डेबिट और क्रेडिट वाले से ये भी यहाँ पे सिग्नल काम नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया मैडम, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो जो 15,000 हमने DD यहाँ पे भर लिए हैं, वो भी मुश्किल से, हमें नहीं लग रहा है कि वो मुश्किल से यहाँ से निकल जाएंगे। नोटबंदी से कुछ असर लग रहा है आपको महोत्सव में? हाँ, असर तो बहुत है। देखिए पिछली बार भी 150 रुपए के झूले थे और आज भी नोटबंदी होके फिर भी झूले 150 रुपए, 100 रुपए, पैसे तो मिल नहीं रहे ATM से और हम लोग झूला कहाँ से झूले? वी आर द स्टूडेंट्स। महोत्सव का समापन है, लोगों की सेल 70% कम हो गई है और नोटबंदी से लोग सिर्फ और सिर्फ परेशान है। कैमरामैन मन्ना के साथ आरुषि गुप्ता, लखनऊ, APN। और नोटबंदी के बाद बैंकों और ATM में लोगों की लंबी कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लंबी लाइनों में लोगों की मौतों की खबर भी रोज आ रही है। यूपी के मेरठ से भी एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां के ढवाई नगर गली नंबर 8 के रहने वाले इकराम की उस वक्त हार्ट अटैक से मौत होगी जब वो बैंक की लाइन में पैसे निकालने के लिए लाइन में लगा था। इधर परिजनों की माने तो मृतक SBI की शाखा में 10,000 रुपए जमा करने गए थे, जबकि 4,000 रुपए निकालने थे। इकराम पैसे तो निकाल चुका था, लेकिन 10,000 रुपए जमा करने के लिए वो फिर दोबारा लाइन में लगा और उसी वक्त उसे चक्कर आना शुरू हो गए, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 50 वर्षीय मृतक अकेले ही अपने घर में कमाने वाला था। घर के मुखिया की अचानक मौत से सब सकते में है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इधर सूचना मिलने के बाद थाना नौचंदी पुलिस भी पहुंची और जांच में जुट गई। बैंक में सुबह पैसे निकालने गए थे घर से 8 बजे। इन्होंने 4,000 रुपए निकाले, इकरामुद्दीन, इन्हें 4,000 रुपए इन्होंने निकाले, 10,000 रुपए जमा करने थे, पैसे तो निकल गए 4,000 रुपए, लेकिन जमा नहीं हो पाए। जमा कर रहे थे तब इनकी तबीयत खराब हो गई, वहाँ से इन्हें उठा के डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर ने कहा इनकी दिल की, हाँ लाइन में लगे हुए थे, लाइन में वहीं ना उल्टी भी हुई लाइन में। स्टेट बैंक हाबोर्ड, भारतीय स्टेट बैंक, मेरा बड़ा भाई था वो, मैं छोटा भाई हूँ। और चेन्नई के मरीना बीच पर MGR मेमोरियल के पास जयललिता का अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जलाया नहीं गया, बल्कि दफनाया गया। उनके राजनीतिक गुरु रहे MG रामचंद्रन को भी यहीं दफनाया गया था। MGR से जयललिता की काफी नजदीकियां रही थी, फिल्मों से लेकर पॉलिटिक्स तक दोनों का साथ रहा। अम्मा को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। सोमवार की रात 11:30 बजे 68 साल की जयललिता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। लाखों लोगों ने नम आंखों के साथ तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को अंतिम विदाई दी। चेन्नई के मरीना बीच पर MGR मेमोरियल के पास अंतिम संस्कार के दौरान दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नेताओं ने जयललिता को श्रद्धांजलि दी। मैडम, जयललिता जी डिमाइस इज अ बिग लॉस टू द कंट्री। शी हैज इनिशिएटेड सो मेनी रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो have taken up number of welfare measures for the poor. That's why Tamil Nadu people fondly call her as Amma. Pro poor program dene mein wo bahut hi yashasvi rahi aur main chahta hu ki
उनके जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहे उनके याद में। इससे पहले अंतिम दर्शनों के लिए जयललिता के पार्थिव शरीर को राजाजी हॉल में रखा गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्मा को श्रद्धांजलि देने चेन्नई पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जयललिता को श्रद्धांजलि देते समय भावुक हो उठे। उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को ढांढस बंधाया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत भी अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। अम्मा के आखिरी दर्शन के लिए भारी मात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी। सभी लोग को बहुत गहरा शोक हुआ है क्योंकि उन्होंने जिस तरह की राजनीति की उसमें गरीब सर्वप्रथम था। जनता से उनका जो सीधा कनेक्ट था उसके कारण ये हुआ है। हम हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। जय ललिता के निधन पर राज्य सरकार ने 7 दिन के शोक की घोषणा की है। तमिलनाडु के सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज 3 दिनों तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। जयललिता को बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद 22 सितंबर को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 73 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 5 दिसंबर की रात 11:30 बजे उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और सड़क दुर्घटना और रैश ड्राइविंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून की दरकार है और इस कानून को कठोर होना चाहिए, भले ही लोग उसे पसंद करें या फिर ना करें। देश की सड़कों पर ऐसे नजारे आम हैं। लंबे समय से सड़क हादसों को कम करने के लिए लगातार कदम उठाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन हादसों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें केंद्र सरकार को मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि वह कड़े कानून लाए, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं की वजह से जाने लगातार जा रही है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून की दरकरार है और इस कानून को कठोर होना चाहिए, भले ही लोग उसे पसंद करें या नहीं। मामले से जुड़ी पिछली सुनवाई में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सख्त कानून की वकालत की थी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से हालात खराब हैं और ऐसे मामलों से सख्ती से निपटे जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया था कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ जुर्माना देकर छूट जाते हैं, जबकि उनकी वजह से सड़कों पर लोगों की जाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले भी जजमेंट दे चुके हैं और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी प्रावधान होने चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 304A के तहत 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और आरोपी को थाने से ही जमानत मिल जाती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। आज बरेली में समाजवादी की बड़ी रैली है। इस रैली में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले मंडलीय रैलियों के सहारे अपनी ताकत का एहसास कराने में जुटी है। बरेली की रैली में 2 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को रैली की तैयारियों का जायजा लिया। समाजवादी पार्टी ने मंडलीय रैली की शुरुआत पूर्वांचल के गाजीपुर से की थी। इस कड़ी में दूसरी रैली आज बरेली में हो रही है। पूर्वांचल के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये रैली अहम मानी जा रही है। रैली को सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव समेत तमाम बड़े नेता संबोधित करेंगे। सपा की रैली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि गाजीपुर की रैली में अखिलेश यादव ने शिरकत नहीं की थी। रुक करते हैं हमारे संवाददाता खुरम निजामी का, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुरम, कितनी अहम मानी जाए रैली, और क्योंकि इलेक्शन नजदीक हैं तो पूरी ताकत झोंक देना चाहती है सपा पार्टी? देखिए, चुनावी बयार है जो बहने लगी है उत्तर प्रदेश में, और इसमें हर रैली की अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली बेहद इम्पोर्टेंस रखती है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि हर एक सीट उनके लिए अहम है, क्योंकि जब चुनाव की जंग होती है और वहाँ पर हेड्स काउंट होते हैं तो जाहिर सी बात है हर एक विधायक बड़ा कीमती हो जाता है और हर सीट पर पूरी कोशिश की जाती है। और अगर मुलायम और शिवपाल दोनों वहाँ मौजूद हैं तो महत्व कितनी है।
आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए बरेली की ये रैली 2 लाख तकरीबन भीड़ होने की उम्मीद की जा रही है कि वहाँ 2 लाख तकरीबन लोग होंगे। डिमोनेटाइजेशन के बाद जब भी रैली होती तो जाहिर सी बात है लोगों को ये सुनने की बड़ी इच्छा होती है कि आखिर जो पार्टी रैली कर रही है उस पार्टी का व्यू क्या है डिमोनेटाइजेशन पर, अगर वो खिलाफ है तो क्यों खिलाफ है, पक्ष में है तो क्यों पक्ष में है। मुलायम सिंह यादव की बात करें तो मुलायम सिंह यादव के सामने एक बड़ा चैलेंज है, उससे बड़ा चैलेंज शिवपाल सिंह यादव के पास है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके सामने ये चैलेंज है कि वो आखिर किस तरीके से इतिहास रचे, क्योंकि नवासी के पास से उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी दोबारा सरकार बैक टू बैक नहीं बना पाई है। एक मौका मिला था मायावती को, लेकिन बीच में प्रेसिडेंट रूल लगा था तो आप उसको नहीं गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अगर नॉर्मल सीक्वेंस में तो अब तक कोई भी पार्टी बैक टू बैक सरकार नहीं बना पाई है 89 के बाद उत्तर प्रदेश में। तो एक इतिहास रखना चाहते हैं शिवपाल सिंह यादव, उनका ये मानना है कि अगर वो किसी तरीके से दोबारा सत्ता में ले आते हैं समाजवादी पार्टी को तो जाहिर सी बात है कि वो उनका नेतृत्व और उनका जो शख्सियत है देश की राजनीति और स्टेट की राजनीति में और बढ़ेगा और 4 चांद लगेगा। और अगर बात की जाए अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो भी वहाँ बरेली पहुँच सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी शेड्यूल अखिलेश यादव का नहीं आया है कि वो बरेली जा रहे हैं। लेकिन जो बड़े 2 नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो वहाँ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों आज बरेली मौजूद होंगे, दोनों आज संबोधित करेंगे उस जनसभा को जिसकी तादाद उम्मीद की जा रही है समाजवादी पार्टी तरफ से कि 2 लाख की होनी चाहिए। देखना ये होगा कि कौन से मुद्दे होंगे, वो कौन सी बातें होंगी, वो कौन सी सरकार की उपलब्धियाँ मुलायम और शिवपाल गिनाते हैं उस रैली में, और साथ ही में डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ यानी कि नोटबंदी पर क्या कुछ बोलते हैं मुलायम और शिवपाल, क्योंकि स्टैंड बहुत क्लियर है मुलायम शिवपाल का कि नोटबंदी जो हुई वो गलत हुई और आम जनता के खिलाफ हुई है, और जो उनके गाढ़ी कमाई है उसको कालाधन बना दिया है केंद्र सरकार ने मोदी सरकार ने। तो देखना कि किस तरीके से गरजते हैं शिवपाल और मुलायम, और किस तरीके से मोदी सरकार को और साथ ही जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश का उसको कैसे आड़ो हाथों लेते हैं। आपसे जानना चाहिए खुर्रम, जिस तरह से गाजीपुर में रैली हुई थी, गाजीपुर में अखिलेश यादव के भी आने की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन ऐन वक्त पे पता चला कि वहाँ पर वो नहीं पहुँचेंगे, तो कहीं ना कहीं यूथ के लिए एक बहुत बड़े आइकॉन माने जाते हैं अखिलेश यादव, तो उनके लिए ये रैली जो थी अधूरी सी लग रही थी। आज जब ये वाली रैली होगी तो एक तरह से ज़रूरी नहीं हो जाता कि अखिलेश यादव वहाँ पर पहुँचें ताकि उनके अपने प्रशंसकों को वो संबोधित करें? देखिए तमन्ना, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्टार प्रचारक है, परमानेंट फेस है समाजवादी पार्टी के, लेकिन ये पार्टी की रैली है, समाजवादी पार्टी की रैली। अगर आप इसको देखें तो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों मौजूद हैं उस रैली में आज होंगे और दोनों संबोधित भी करेंगे, तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नहीं भी आते तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है अगर वो आ जाएं तो और बेहतर रैली को माना जा सकता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने आप को फोकस कर चुके हैं कि किस तरीके से स्टेट को बेहतर तरीके से वो फोकस कर सके, बेहतर तरीके डेवलप कर सके, और जब वो किसी भी रैली में जाएं तो बता सके कि उन्होंने क्या किया। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सरकार और पार्टी के बीच में कोऑर्डिनेशन किया, समन्वय बैठाया, वो काबिले तारीफ है, यानी कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी संभालते हुए प्रचार करेंगे। अगर वो अपनी सरकार का प्रचार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मौजूदा सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो कहीं भी जाते हैं वो ये गिनाते हैं कि उनकी सरकार ने क्या किया और क्या करना चाहती है, और उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू किया है किसी भी मुद्दे पर, यानी कि अगर जहाँ भी अखिलेश यादव बोलते हैं तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का ही प्रचार होता है, और अगर वो सरकार रिपीट होती है तो समाजवादी पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। तो ऐसे में अगर बरेली नहीं भी जाते अखिलेश यादव, हालांकि जाते तो और बेहतर होता, नहीं भी जाते तो ऐसी कोई बात नहीं है, अखिलेश यादव जहाँ भी होते हैं वहाँ प्रचार करते हैं, अपनी सरकार की बात आगे रखते हैं, डेवलपमेंट क्या किया, क्या करना चाहते हैं वो सब बात आगे रखते हैं, यानी कि उनका विजन क्या है, माजी क्या है और मौजूदा हालात क्या है, वो ये सब बताते हैं। जी खुर्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक अहम रैली है आज, और अगर अखिलेश यादव वहाँ रहते हैं तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, और जिस तरह से खुर्रम निज़ाम ने बताया कि अखिलेश यादव कोई भी अगर कोई किसी चीज़ की इनॉग्रेशन करते हैं या कहीं भी संबोधित करते हैं तो स्टार प्रचारक हैं, अपना प्रचार ज़रूर करते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल चुके दिल्ली और मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक सभा को संबोधित करेंगे। केजरीवाल आज दोपहर वाराणसी पहुंचेंगे और इसके बाद दोपहर 3 बजे
बेनियाबाग इलाके में सभा को संबोधित करेंगे। केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वो नोटबंदी के फैसले के खिलाफ रैलियां कर इसके दुष्परिणामों के बारे में बताएंगे। केजरीवाल की पहली रैली मेरठ में हो चुकी है, वहीं इस कड़ी में आज वाराणसी में दूसरी रैली है। वाराणसी के बाद केजरीवाल यूपी के राजधानी लखनऊ में भी एक रैली करेंगे। वाराणसी में होने वाली रैली शहर के मुस्लिम बहुल बेनियाबाग इलाके में हो रही है। इस रैली में आपके प्रदेश प्रभारी संजय सिंह और अन्य पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। गौरतलब है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हार के बाद केजरीवाल का यह दूसरा वाराणसी दौरा है। इसी साल 22 फरवरी को रविदास जयंती के अवसर पर भी वो आए थे और रविदास मंदिर में मत्था टेका था। एक बार फिर से हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ लाइव टूट चुके हैं इसी खबर पर। खुर्रम, क्या पूरा प्लान ऑफ एक्शन होगा आज के दिन का, अगर बात की जाए केजरीवाल की तो? देखिए, 3 बजे बेनियाबाग में होंगे अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और एक तरीके से अपने और सबसे मुखर विरोधी अगर कोई है इस वक्त राजनीति में तो उसमें एक अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आता है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था बनारस में और वो जीत नहीं पाए थे, और उसके बाद वो बार बार यही कहते आए कि उन्होंने बनारस को वो भूले नहीं हैं, और बेनियाबाग में होंगे, बेनियाबाग वहाँ पर होंगे और वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। 2-3 बातें अहम हैं। पहली बात यह है कि दिल्ली से बनारस के रास्ते में आते हुए अरविंद केजरीवाल क्या मंशा रखते हैं वो ये बताएंगे। दूसरी बात, डिमोनेटाइजेशन पर वो क्यों इतने ज़्यादा खिलाफ हैं वो ये बताएंगे। तीसरा, आखिर उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अभी कोई बेस नहीं उत्तर प्रदेश में, यानी कि अरविंद केजरीवाल किसके साथ खड़े नजर आएंगे ये उनको साफ करना होगा। इशारा भी कर सकते हैं आज बनारस में, क्योंकि जब भी बनारस की बात होती है तो इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि पीएम मोदी का कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस, और बनारस के लिए बढ़ती ही उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं, बहुत सोचा है, बहुत ख्वाहिश है और बहुत अरमान है कि बनारस को कैसे संवारा जाए, सजाया जाए पीएम मोदी को, और पीएम मोदी आते जाते रहते हैं बनारस में। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि केजरीवाल की हम बात करें तो लगातार वो खिलाफत मुखालफत करते हैं पीएम मोदी की और मौजूदा केंद्र सरकार की। एक दिल्ली जब वो होते हैं तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं टकराव की स्थिति पैदा होती है और सबने देखा है। तो बनारस पहुँच कर केजरीवाल क्या बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं, और साथ में ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या वो इस रैली में क्लियर करेंगे कि वो किसके साथ खड़े हैं। वो एंटी मोदी तो हैं, एंटी बीजेपी तो हैं, लेकिन किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है, सपा के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है, वो किसके साथ हैं, यानी कि वो किसको सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? क्योंकि सबका ये कहना है कि अगर आपको दुश्मन एक है तो सब दोस्त हो जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबका दुश्मन एक होता है लेकिन दोस्त कोई सारे दुश्मन के सारे दुश्मन जो होते हैं वो दोस्त नहीं होते। केजरीवाल भी उसी कसौटी में कसे जाएंगे, और देखना ये होगा कि जब केजरीवाल वहाँ बोलते हैं तो उनके आगे क्या कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चुनाव भले ही लड़े हों लेकिन लड़ना चाहते हों 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के, लेकिन उनके कोई बेस नहीं है, वो किस तरीके से बेहतर अपने को प्रोजेक्ट करा पाएंगे ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं तो उत्तर प्रदेश में आप किसके साथ खड़े होंगे। 3 पार्टी 3 विकल्प आपके सामने, विकल्प आपको चुनना है। तो यही सब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके केजरीवाल लगातार यहाँ के दौरे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, लगातार यहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, तो उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि अगर वो किसी के साथ खड़े नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है वोट कटवा के तौर पे जाने जाएंगे केजरीवाल और उनकी पार्टी। तो देखना यही है कि आज रैली में वो क्या कुछ बोलते हैं और क्या हिंट देते हैं कि वो अगर जाना होगा तो किसके साथ वो खड़े हो सकते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये देखने वाली बात होगी। आज जो बनारस में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी रैली है, उसमें क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं, वो सब देखने वाली बात होगी। चलिए खुर्रम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले दलितों की अहमियत बढ़ गई है। हर पार्टी दलितों को अपनी ओर खींचने के लिए बेताब है। यूं तो उत्तर प्रदेश में दलितों को मायावती का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अब इस वोट पर सभी पार्टियों की नजर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों की अहमियत का फिर अंदाजा लगा। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सूबे की समाजवादी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार महापुरुषों का अपमान कर रही है। ये लोग किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके इस बहुसंख्यक आबादी को हमेशा आपस में बांटने की कोशिश में ही लगे रहते। और मायावती का ये आरोप सही भी है। 2012 में सत्ता में आने पर अखिलेश यादव ने डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर
होने वाली सार्वजनिक छुट्टी को रद्द कर दिया था, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस साल राज्य सरकार ने फिर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया। हालांकि सपा का दावा है कि इस बार दलित मायावती का साथ छोड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस और बीजेपी भी इस वोट बैंक पर नजरें गड़ाए हुए हैं। बीजेपी ने पिछड़ों और दलितों को जोड़ने के लिए पहले ही चाल चल दी है। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और कभी मायावती के खास रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को पूरी आवभगत के साथ पार्टी में शामिल किया गया। हमारी सरकार ने यह प्रयास किया है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखलाया है, चाहे वो आर्थिक विकास का रास्ता हो, चाहे वो सामाजिक सेवा का रास्ता हो, चाहे संविधान के सम्मत कार्य करके देश को सुरक्षित रखने का रास्ता हो, हमारी सरकार उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। उधर कांग्रेस ने दलित वोट बैंक को एकजुट करने के लिए सूबे की सभी सुरक्षित सीटों पर दलित सम्मेलन का ऐलान किया है। इसके तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद पीएल पुनिया ने कांग्रेस मैनिफेस्टो की मूल बातों के साथ दलितों को अपने पाले में करने का मसौदा भी रखा। इन सम्मेलनों का उद्देश्य साफ है कि किसी भी तरह से दलितों को कांग्रेसी विचारधारा से जोड़ना। कि केजी से पीजी तक, पहली क्लास से पहले ही से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएट तक, बीए हो, एमए हो, बीटेक हो, एमबीए हो, एमबीबीएस हो, जो भी शिक्षा हो वो पूरी तरह से निःशुल्क हो। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 21.5% दलित है। इनकी 66 विभिन्न जातियों में जाटो 56%, पासी 16% और कोरी धोबी वाल्मीकि 15% है। मायावती को एकमुश्त वोट करने वाले ये जाति समूह जाटवों को नौकरी में मिलने वाले फायदों से परेशान तो है, लेकिन उसका विकल्प नहीं खोज पा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश जाटवों से इतर पासी मतों को अपनी ओर झुकाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बीजेपी का मिशन उत्तराखंड जारी है। उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में चल रही बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा आज हल्द्वानी में संपन्न होने जा रही है। इस मौके पर हल्द्वानी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी संबोधित करेंगे। तो चलिए बात करते हैं देहरादून से जो मौजूद संवाददाता मनीष डांगवाल से। मनीष, क्या ताजा अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, अगर बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा की बात करें तो जो आज कुमाऊं मंडल की जो सत्ता परिवर्तन यात्रा यहां पर चल रही है उसका समापन यहां पर हल्द्वानी में हो रहा है। और खास बात बीजेपी के लिए यह है कि जो कुमाऊं मंडल की जो यात्रा का समापन हो रहा है वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है उनके नेतृत्व में यहां पर यात्रा का समापन हो रहा है। और अगर अभी तक की जो यात्रा की बात करें तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अमित शाह है उन्होंने दो जगहों पर यात्रा में शिरकत की है। जब यात्रा देहरादून से रवाना की गई थी तो वहां पर भी उन्होंने यात्रा में यहां पर शिरकत की थी और अल्मोड़ा में भी यहां पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था और बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे। और अगर जो दोनों जो यात्राओं में जब यहां पर शामिल हुए थे, जो दो यात्राओं को संबोधित यहां पर अमित शाह ने किया था, तो सीधे तौर से पूरी तरीके से यहां पर जो प्रदेश सरकार है उस पर यहां पर हमलावर नजर आए थे। और खास बात यह कि सीधे तौर से यहां पर जो प्रदेश की हरी सरकार है, भ्रष्ट सरकार, उन्होंने यहां पर करार दिया था। और जो यहां पर विकास पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चला है उसको यहां पर जो उन्होंने यहां पर तुलना की थी वो एक फ्यूज ट्रांसफर से यहां पर जो उत्तराखंड की वर्तमान सरकार है उसकी यहां पर तुलना की थी। लेकिन आज सभी की नजरें इस बात पर लगी हुई है कि आखिरकार जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तीसरी बार यात्रा में यहां पर शामिल हो रहे हैं और इसके बाद उनका कोई कार्यक्रम सत्ता परिवर्तन यात्रा में नहीं है, क्योंकि अब गढ़वाल मंडल की यात्राएं यहां पर समापन होनी है, लेकिन सीधे तौर से जो हल्द्वानी में जो यहां पर जो स्पीच होगा, जो भाषण यहां पर अमित शाह का होगा, उसमें क्या कुछ आरोप यहां पर हरी सरकार पर लगाते हैं, इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। क्योंकि अभी तक अगर दो भाषणों की बात करें तो लगभग दोनों जगहों पर जो दो भाषण यहां पर अल्मोड़ा और देहरादून में यहां पर अमित शाह ने दिए हैं एक जैसे यहां पर दिए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार क्या कुछ नई बातें यहां पर, क्या कुछ नए आरोप यहां पर अमित शाह यहां पर हल्द्वानी की रैली में यहां पर जो। मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सीएनटी और एनपीटी एक्ट में संशोधन के बाद जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष के साथ साथ राज्य की दर्जनों आदिवासी संगठन तो संशोधन के खिलाफ ही हैं, लेकिन अब तो बीजेपी के भी वरिष्ठ आदिवासी नेता भी खुलकर संशोधन के खिलाफ हैं, जिसमें प्रमुख नाम पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का है। अर्जुन मुंडा के खिलाफत से झारखंड बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। और चलिए, ज्ञान रंजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रांची से, उनसे जानकारी लेते हैं कि झारखंड की अहम खबरें कौन सी हैं। जी ज्ञान रंजन जी, झारखंड की खबरों की बात करें तो लगातार जिस तरह से सीएनटी और एसपीटी एक्ट के मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ दर्जनों आदिवासी संगठन राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और उसी कड़ी में एक जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, वो बात भाजपा के लिए, खासकर राज्य सरकार के लिए भी चिंताजनक है। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी, बड़े आदिवासी नेताओं ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन मामले पर खुलकर बगावती तेवर अपना लिया है, और इसमें प्रमुख नाम आ रहा है पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का। अर्जुन मुंडा लगातार इस मुद्दे को लेकर, जब से संशोधन विधेयक पारित हुआ है और उसके बाद से, लगातार वो मुखर हैं, और दो तीन जगह पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी उन्होंने अपनी भावना से अवगत कराया है। गत दिनों तो उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिखकर भी आदिवासी की मूल भावना, खासकर उन्होंने ये कहा कि बिरसा मुंडा की शहादत से जो सीएनटी एक्ट पैदा हुआ था, उसके साथ छेड़छाड़ करना ये राज्य हित में नहीं है, जो मूलवासी आदिवासी है उनके हित में नहीं है। तो कह सकते हैं भाजपा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय ये हो गया है कि उनके आदिवासी नेता यदि सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में खड़े हो जाते हैं, और उसका नेतृत्व यदि एक कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा जैसे नेता कर रहे हो, तो ये एक चिंता का विषय है, और भाजपा लगातार इस पर मंथन भी कर रही है। दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन के आवास पर ये बैठक आयोजित की गई है। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन इस बैठक का नेतृत्व करेंगे, और इस बैठक में अभी जो जानकारी मिल रही है, मुख्य मुद्दा वही सीएनटी और एसपीटी एक्ट का है, क्योंकि सीएनटी एक्ट से पूरा छोटा नागपुर प्रमंडल प्रभावित हो रहा है, और एसपीटी एक्ट से संथाल परगना प्रमंडल, क्योंकि दोनों, यही दोनों प्रमंडल सबसे पुराने प्रमंडल हैं झारखंड के, और इन्हीं दोनों जगहों पर खासकर अगर देखा जाए तो कोल्हान और संथाल ये बेल्ट है झारखंड। धन्यवाद तमाम खबरों के लिए और तमाम खबरें हमारे तक पहुंचाने के लिए। रुख बॉम्बे का करते हैं। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण के मामले पर सुनवाई होगी। आज का दिन सुनवाई के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज सरकार को अपना पक्ष रखना है। बता दें कि आपको कि सरकार रिपोर्ट भी दर्ज करा चुकी है। ये रिपोर्ट तकरीबन 2500 पन्नों की है, जिसमें मराठा जाति पर जितने भी रिपोर्ट बने हैं उनके आधार पर रिपोर्ट दी गई है कि किस तरह से मराठा समाज सरकारी नौकरी और शिक्षण में पिछड़ा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता स्वीटी अधिमूलम का। जी स्वीटी जी, बिल्कुल, आज जो है सुनवाई काफ़ी अहम होगी अगर बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करें, क्योंकि आज मराठा आरक्षण को लेकर जो है अहम सुनवाई होने वाली है जस्टिस मंजुला चिलर के सामने। और आज जो है सरकार को अपना पक्ष रखना है, तो कितनी मजबूती से जो है महाराष्ट्र सरकार अपना पक्ष रख पाती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जितने भी विरोध किए जा रहे हैं, जितने भी PILs फाइल किए हैं वो मराठा आरक्षण के खिलाफ फाइल किए हैं, कि मराठा आरक्षण का कहा जा रहा है कि मराठा समाज जो है वो उच्च श्रेणी के स्तर पर आता है और इसीलिए समाज पिछड़ा नहीं है और इस समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है। इस तरह के PILs जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में आया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, लेकिन आज जो है महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट के दिए हुए रिपोर्ट पर जो है अपना पक्ष रखना है। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि किस तरह से मराठा समाज वंचित है और किस तरह से जो है मराठा समाज सरकारी नौकरी हो या फिर शिक्षण हो, इन सारी चीजों से किस तरह से वंचित है। बता दें कि कांग्रेस NCP की जो सरकार थी पहले वाली, उन्होंने 16% आरक्षण दिया था, लेकिन इस पर बाद में रोक लगा दी गई थी, और PIL के मुताबिक ये कहा गया था कि जो भी राज्य सरकार होगी वो 50% से ज्यादा जो है
वो किसी भी जो आरक्षण नहीं दे सकती। और पहले से ही महाराष्ट्र की बात करें तो उन्होंने 50% से ज्यादा अलग अलग समाजों को आरक्षण दिया है। ऐसे में 16% आरक्षण मराठा समाज को देना ये गलत हो सकता है। और साथ ही में मुस्लिम आरक्षण की भी बात करें तो उन्हें भी 5% का आरक्षण एनसीपी और कांग्रेस ने दिया था, लेकिन इन सारी चीजों को रोक लगा दिया गया था क्योंकि कुल मिलाकर जो है 70% से भी ज्यादा जो है आरक्षण का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में ये जो सारे पक्ष है, ये जो सारे पॉइंट्स है, वो आज बॉम्बे हाईकोर्ट में रखे जाएंगे। और जिस तरह से राज्य सरकार भी बार बार यही कह रहा है कि वो मराठा आरक्षण के समर्थन में है, देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि वो मराठा आरक्षण के समर्थन में है, उनकी सरकार समर्थन में है, तो आज क्या कुछ सरकार अपना रुख रखती है? क्योंकि नागपुर में अधिवेशन चल रहा है, वहां पर भी मराठा आरक्षण को लेकर जो है वो मुद्दा गरमाएगा, तो ऐसे में आज सरकार किस तरह से अपना पक्ष रखती है, कोर्ट में किस तरह से मजबूती रखती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है अलग अलग जिलों की बात करें तो वहां पर मराठा रैलियां निकाली गई थी, शांतिपूर्वक ये रैलियां थी, लेकिन मराठा समाज की यही मांगे है कि उन्हें भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि उनका वर्ग भी कहीं ना कहीं पिछड़ा है, उनकी आय भी जो 1 लाख से कम है। तो ऐसे में मराठा आरक्षण और मराठा लोगों को किस तरह से अब महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में विश्वास दिला पाए। जी स्वीटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आज इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो चलिए वेकअप जिंदगी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपीएन।